एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। ओम साई राम। तो कैसा है हमारा परिवार? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। दिन है थर्सडे का, ये वीडियो 2 दिन पहले का है। फ्राइडे को मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, तो इसीलिए सैटरडे को कर रही हूँ। तो आज तो उठी थी मैं, जितने बजे उठती हूँ 4:30 बजे उसी वक्त उठ गई थी। उठने के बाद मैं नाश्ता बनाने लगी, तब तक बच्चों ने कहा कि मम्मी आज हमारा हाफ डे है तो हम लोग लंच नहीं लेकर जाएंगे। तो उसके बाद फिर मैं छोड़ दी, नहीं बनाई कुछ भी, क्योंकि वो लोग सुबह सुबह रोटी नहीं खा कर जाते हैं, बिस्किट हुआ, फ्रूट हुआ, दूध हुआ, यही सब खा लेते हैं, रोटी वगैरह नहीं खाते हैं। तो इसीलिए मैं फिर बनाई नहीं, और मुझे खाना नहीं था क्योंकि थर्सडे को रहता है मेरा साईं बाबा का पूजा व्रत, तो जिसके वजह से सिर्फ यहाँ पर हस्बैंड जी के लिए एक चीला बन रहा है, और वो भी ये चीला ना सूजी और बेसन का है, जिसमें मैंने ढेर सारी सब्जियाँ डाल दी है, जैसे कि शिमला मिर्च, गाजर, बीट, प्याज, टमाटर, धनिया की पत्ती, हरी मिर्ची, सभी को डालकर, थोड़ा सा नमक डालकर इसे अच्छे से एकदम कुरकुरा बनाकर दी हूँ। घी थोड़ा ज़्यादा करके डाल दी थी क्योंकि अच्छे से कुरकुरा हो जाएगा, सुबह सुबह का नाश्ता परफेक्ट होना चाहिए इनके लिए, वरना फिर मूड ख़राब हो जाता है। ये चले गए हैं। उसके बाद आज मैं कुछ भी नहीं की थी, यानी कि वॉक वगैरह नहीं की थी, सीधे अपने घर के कामों में लग गई थी, क्योंकि आप जानते हैं बारिश होने से मेरा मूड थोड़ा सा ख़राब रहता है, और इन दिनों बहुत बारिश हो रही है, और यहाँ पर मैं आप सभी को हाय बोल रही हूँ। सारा काम हो गया था, उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। मैं बोली चलो लगे हाथ क्यों ना मैं खाना भी बना लूँ, उसके बाद फिर एक ही बार आराम से बैठकर पूजा करेंगे, और फिर आप सभी से कुछ बातें भी कर लेंगे, और फिर बहुत सारा काम होता है ना सभी को कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है ना कि जिस दिन मुझे मालूम होता है कि आज क्या बनाना है, और दूसरी बात कि इसे बनाने से मेरे घर में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उस दिन ना मेरा खाना वैसे भी जल्दी बन जाता है। जैसे कि थर्सडे वाले दिन ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये सिंपल सा खाना मेरे घर में सबको पसंद है, हस्बैंड जी को भी पसंद है, मेरी सासू माँ को भी पसंद है, मेरे बेटे को भी पसंद है। ये खाना ना मतलब थर्सडे वाले दिन कोई नाटक नहीं करता है, सब कोई खा लेता है, बहुत प्यार से खा लेता है। तो इसीलिए थर्सडे वाले दिन मेरे घर में खाना जल्दी बन जाता है और अच्छे से बन जाता है। सभी को आलू पोस्तू पसंद है, पापड़ पसंद है, दाल चावल पसंद है। हाँ, हरी सब्जियाँ होती हैं, कई बार तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो खैर चलिए, दाल मेरा कुकर में मैं चढ़ा दी थी और चावल भी चढ़ा दी थी, तो चावल दाल एक ही साथ चढ़ाती हूँ, तो चावल तो नहीं होता है लेकिन कुकर में दाल रहता है, जिसकी वजह से दाल हो गया था। जब तक दाल हो रहा था तब तक मैं पोस्तू पीस कर रख ली थी, आलू कट कर रख ली थी, दाल भी हो गया है। इधर फिर मैं चढ़ा दी हूँ आलू पोस्तू, तेल डाली, 5 फ़ोरन डाली, उसके बाद फिर आलू को अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। जब वो फ्राई हो जाएगा तब फिर उसमें कुछ मसाले डालेंगे, तब तक चलिए यहाँ पर पसा लेते हैं माड़। चावल भी हो गया था, तो हम लोग जब भी चावल बनाते हैं ना तो इसी तरीके से हम लोग चावल का माड़ निकाल दिया करते हैं, क्योंकि इस माड़ में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन वगैरह भरपूर होता है। बहुत सारे घरों में तो अभी भी हमारे झारखंड में ना सुबह का नाश्ता माड़ भात ही होता है, बोलते हैं बहुत विटामिन इसमें पाए जाते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग सुबह का नाश्ता माड़ भात करते हैं। और सोचने वाली बात है कि तीनों टाइम चावल खाते हुए भी पतले दुबले से रहते हैं, क्योंकि वो लोग ना खेतों में बहुत ही ज़्यादा काम किया करते हैं, इसीलिए वैसे रहते हैं। खैर चलिए, मेरा सब्जी भी हो गया है, इसमें बस थोड़ी सी मिर्ची डाल देंगे, नमक तो डाल ही दिए हैं, ये बन जाएगा, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो चलिए फ्रेंड, मेरा आलू पोस्तू भी बनकर तैयार हो गया। बहुत सारे लोग बोलते हैं दीदी ये पोस्तू क्या होता है, तो डियर आप शायद खसखस देखे होंगे, उसी टाइप का, दिखने में तो वही रहता है लेकिन कहते हैं कि स्वाद बहुत ही अलग रहता है। और पोस्तू तो मैं खाई हूँ लेकिन खसखस कभी भी नहीं खाई हूँ, तो इसीलिए मैं नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन हाँ मैं सुनी हूँ कि दिखने में सेम रहते हैं लेकिन खाने में स्वाद दोनों का बहुत ही अलग रहता है।
तो खैर कोई नहीं, चलिए यहाँ पर नहाकर आ गई हूँ। आने के बाद घर के सारे रूम में बना लेते हैं अल्पना। तो सबसे पहले मैं द्वार में बना कर आई थी, उसके बाद फिर जैसे जैसे रूम्स है ना उस तरीके से बना लेते हैं। और थर्सडे वाले दिन हम लोग इसी तरीके से अल्पना देकर किया करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करना, पूजा पाठ करना। तो खैर चलिए, अल्पना देने के बाद यहाँ पर हो गई है हमारी पूजा। आप लोग भी भगवान जी को प्रणाम कर लीजिए। ये सुबह वाली पूजा संपन्न हुई, अब शाम वाली बाकी है। तो चलिए आप लोग से कर लेते हैं कुछ बातें, उसके बाद मिलते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, आज दिन है गुरुवार का, हमारा पूजा पाठ सब कुछ हो गया है, साथ के साथ खाना भी मैं बना ली हूँ। आज मैं बोली सब कुछ काम कर ही लेती हूँ, उसके बाद ही फिर पूजा पाठ करूँगी। तो नहाने के बाद अभी तक मैं कुछ भी नहीं ली हूँ, सिर्फ थोड़ा बहुत पानी ली हूँ। चाय पीने का मन नहीं हो रहा है, एक बार मैं सुबह में पी ली थी, अब शाम में ही पीऊँगी। और अगर मन हुआ तो फिर दोपहर में देखेंगे, वरना फिर कोई ज़रूरी नहीं है। वैसे भी मैं चाहती हूँ जितना जल्दी हो सके तो मैं चाय छोड़ दूँ, क्योंकि जो जो आदतें नेगेटिव चीज़ें होती है ना, मैं चाहती हूँ कि वो सारी चीज़ें चली जाए तो ही अच्छा है। है ना, क्वेश्चन आया करते हैं कि दीदी आप अभी तो फास्ट करती हैं, लेकिन जब आप साल्ट फ्री डे रियल वाला करती थी, यानी कि जो बिना नमक का चीला खाती थी, उसे आप कैसे करती हैं? तो ऐसे तो मैं कमेंट में जवाब दे देती हूँ, लेकिन आप सभी से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ एक बार आप मेरे पुराने वीडियोस को जाकर देखें, आपको हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। आपकी वेट लॉस जर्नी से जो भी आपके मन में सवाल है, साल्ट फ्री डे से जो भी सवाल है, इंटरमीडिएट फास्टिंग से लेकर जो भी सवाल है ना, उन सभी सवालों का शायद बहुत हद तक मैं कोशिश की हूँ कि आप सभी के सवालों का मैं जवाब दे सकूँ, रिप्लाई कर सकूँ। सारे वीडियोस में बना कर रखी हूँ, तो प्लीज़ आप एक बार चेक करें, ज़रूर चेक करें। उन सारे वीडियोस से ना आपको बहुत हेल्प मिलेगी। दूसरा, साल्ट फ्री डे करना ज़रूरी है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो देखिए डियर, अगर आपको बीपी लो की प्रॉब्लम नहीं है तो आप ज़रूर करें, अगर है तो आप ना करें, लेकिन अगर नहीं है ना तो ज़रूर करें। क्योंकि डेली लाइफ में ना हम लोग बहुत सारा नमक खाते हैं, तो जितना हमें नमक खाना चाहिए उससे हम लोग कई ज़्यादा अधिक नमक खाते हैं। तो हम लोग को तो नमक कम खाना चाहिए, लेकिन हम लोग तो ऐसा करते नहीं हैं। इसीलिए अगर सप्ते में आप एक दिन साल्ट फ्री डे करेंगे ना, तो वो एवरेज बहुत हद तक कम होता है। तो इसीलिए कोशिश करें कि करें। हमारे में ना, जैसे कि आप लोग बोलते हो, हमेशा आप लोग बोलते हैं कि दीदी आपने बहुत जल्दी अपना वेट लॉस किया है, इतने कम समय में इतना वेट लॉस कर लिया है, तो आप मेरी ना पहले की जाकर पिक देखिएगा। मेरा ना, मेरे अंदर ना सबसे ज़्यादा जो वाटर फैट होता है ना डियर, जो नमक के वजह से होता है, जो लोग नमक ज़्यादा खाते हैं, जैसे मैं नमक बहुत ज़्यादा खाया करती थी, ऊपर से भी लेकर खाया करती थी, तो मेरे अंदर ना वो सबसे ज़्यादा अधिक था। जब मैं 32 बार करना स्टार्ट की, तो मैं क्या की ना, चीनी को भी अवॉइड कर दी, साथ के साथ नमक भी कम खाने लगी। सब्जियों में तो नमक कम खाती थी, सैलेड में तो बिल्कुल लेती ही नहीं थी। तो जिसके वजह से ना मेरा वेट बहुत जल्दी कम हो गया, जितना भी मेरे अंदर वाटर फैट था ना, तो वो जल्दी जल्दी कम होना स्टार्ट हो गया। इसीलिए मैं इतना जल्दी अपना वेट लॉस कर पाई थी। तो आप लोग जो बोलते हैं कि आपने इतना जल्दी कैसे कर लिया, तो इसका रीज़न यही था कि मैं बहुत कंट्रोल किया करती थी। मतलब मुझे रिज़ल्ट मिले ना, कुछ दिनों में ही रिज़ल्ट मिल गया, तो मैं प्रॉपर तरीके से करना स्टार्ट कर दी। और मैं बोली कि नहीं, अभी चलो करना है, तो जिसके वजह से मुझे अच्छे अच्छे रिज़ल्ट मिले। तो मैं यही आप सभी से बोलना चाहूँगी, जो आप लोग बोलते हैं ना ज़रूरी है, तो अगर आपको बीपी लो की प्रॉब्लम नहीं है तो आप ज़रूर करें, क्योंकि साल्ट फ्री डे से ना बहुत सारा कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होता है। बहुत सारे जो लोग बोलते हैं ना कि स्टक बॉडी स्टक हो गई है, तो साल्ट फ्री डे करने से ना वो सब भी ठीक हो जाता है। तो आप लोग कोशिश करें कि इस चीज़ को करिए। तो फ्रेंड, उम्मीद है कि आपको थोड़ी बहुत मैं समझा पाई हूँ। अगर समझा पाई हूँ तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं, काफ़ी बातें हो गई हैं, साल्ट फ्री डे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, चलते हैं कुछ और काम कर लेते हैं, जैसे कि कपड़े वगैरह लाने हैं, उन सभी को लेकर आते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप सभी से, वीडियो वगैरह अच्छे से एडिट कर लेते हैं, आपके पास पहुंचा देते हैं, उसके बाद मिलते हैं शाम को।
सो फ्रेंड, अभी टाइम हो रहा है, शाम के बज गए हैं 5। चलिए चलते हैं, अब रात का खाना बनाते हैं। आज के दिन मैं जल्दी खाना बना लेती हूँ, क्योंकि पूजा रहता है करना ना साईं बाबा का, तो पहले खाना ही बना लेती हूँ, उसके बाद फिर पूजा करती हूँ। क्योंकि कभी कभी पूजा करने में देर हो जाती है, बच्चों को, खास करके बेटे को भूख लग जाती है, कैंप से आता है ना तो खाना खाना चाहता है, तो बना हुआ रहता है तो टेंशन नहीं रहता है, नहीं तो फिर पूजा से उठिए खाना बनाइए तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो वैसे घर में शाम वाली झाड़ू सब लगा दी हूँ, 2-1 बर्तन है जो कि हस्बैंड जी भी खाना खाए थे, तो उन सभी को भी धुलना है। और कौन कौन है जो आज के दिन सेल्फ फ्री डे करता है, कमेंट कर बताएं। खैर मेरा तो समझिए एक तरीके का फास्ट ही हो जाता है, सेल्फ फ्री डे होने से सुबह में भी फ्रूट खा लिया करती थी, दोपहर में भी बिना नमक वाला चीला और दही सैलेड ये सब खाया करती थी, शाम में भी खाती थी, लेकिन ये तो एक तरीके का फास्ट हो गया है। तो खैर कोई नहीं, चलिए नमक तो छूटता है, और मीठा भी मैं कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल ना लूँ। आज के दिन 2 कप चाय लेती हूँ, 2 कप तो रोज़ ही मैं लेती हूँ चाय। वैसे अब जब वेट लॉस जर्नी में थी ना तब मैं 1 कप लिया करती थी, लेकिन अब मैं ले लेती हूँ 2 बार चाय ले लेती हूँ, गुड़ वाली, और शाम में कुछ मीठा सा बना लेती हूँ। लेकिन देखते हैं, आज केला भी रखा हुआ है, कुछ बनाते हैं या फिर वही खा लेते हैं, देखेंगे जैसा जो होगा। क्योंकि क्या होता है ना डियर, प्रसाद में जो चना, रोस्टेड चना चढ़ाती हूँ ना, तो उसे मैं खा लिया करती हूँ, तो थोड़ा सा खाने के बाद, पानी पीने के बाद मन नहीं होता है खाने का कुछ भी, तो देखते हैं क्या करते हैं। अभी तो पहले इन लोगों का खाने का व्यवस्था कर देते हैं, उसके बाद फिर। तो चलिए चलते हैं। मिस्टी, मेरी मिस्टी झूठ मूठ वाला पढ़ाई कर रही है ना मिस्टी, बस सिर्फ बुक लेकर बैठी हुई है और ध्यान टीवी में है। तो फिर से आ गए हैं किचन में, कर लेते हैं कुछ तैयारियां। जैसे कि मैं बोली थी बर्तन थे तो बर्तन को धुल ली हूँ, उसके बाद फिर आलू और चने को बॉईल होने रख दी थी, क्योंकि अभी मैं उसी की सब्ज़ी बनाऊंगी बिना लहसुन प्याज वाली, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। खैर आगे आपको दिखाएंगे कैसे बनाते हैं। और साथ ही चाय भी बना ली हूँ मैं अपने लिए, बिना चीनी वाला निकाल ली थी, और हस्बैंड जी के लिए डाल दी हूँ चीनी, वो दोनों पीते हैं जब उनका जो मन करता है, कभी गुड़ वाली भी पीते हैं कभी चीनी वाली भी पीते हैं, क्योंकि घर में तो गुड़ वाली पी लेंगे लेकिन ऑफिस जहाँ जाते हैं वहाँ पर अक्सर चाय बनते रहता है, और सारे लोग जब चाय पीते हैं तो उन्हें भी पीना पड़ जाता है, इसीलिए वो दोनों तरफ का, दोनों चीज़ का चाय पी लिया करते हैं। तो यहाँ पर फटाफट रोटी बना ली थी, और उसके बाद फिर जल्दी से बना लूँगी सब्ज़ी। तो सब्ज़ी में डालने के लिए यहाँ पर मैं कुछ मसाले ले ली हूँ। तो सबसे पहले तेल मेरा गर्म हो गया है, सरसों का तेल है, उसमें मैं डाल दी हूँ हींग। हींग डालने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी तेज़पत्ता, उसके बाद फिर 5 फ़ोरन। 5 फ़ोरन डालने के बाद फिर कुछ खड़े गर्म मसाले, जैसे कि लौंग है, काली मिर्च है, दालचीनी है और इलायची है, उसे डालने के बाद डाल दी हूँ मैं। अदरक थोड़ा सा घिस कर रखी थी उसे डाल दी हूँ, वो जब डाल दी हूँ उसके बाद मैं डाल दी हूँ कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता डालने के बाद मिर्ची और फिर टमाटर। टमाटर और डलता है लेकिन अभी महंगाई के कारण आधे में ही सब्र कर ले रहे हैं, उसमें ही चला ले रहे हैं। उन सभी को थोड़ा सा भून ली थी, उसके बाद फिर सूखे मसाले जैसे कि धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी, साथ ही नमक। नमक अभी मैं थोड़ा सा डाली हूँ, क्योंकि मैं उस वक्त भी डाली थी चने और आलू में भी डाली थी, इसीलिए थोड़ा सा डाली हूँ। अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा कसूरी मेथी पत्ता, और फिर उसके बाद सबको अच्छे से थोड़ा सा पानी डालकर इन सभी को भून लूँगी ताकि कच्चापन चला जाए। यहाँ पर मैं डाल दी हूँ चना और आलू को। आलू को थोड़ा सा चने में ही फोड़ दी थी, और फिर उसके बाद यहाँ पर कढ़ाई में फोड़ ले रही हूँ। आप इसे बनाकर खाइएगा, इसे ना पूड़ी और कचौड़ी के साथ खाया जाता है, इतना टेस्टी लगेगा ना कि मैं क्या बोलूँ, बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा कि ये बिना लहसुन प्याज का सब्ज़ी है, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। लास्ट में मैं इसमें डाल दी हूँ धनिया की पत्ती, और साथ ही MDH का गरम मसाला। आप जब भी बिना लहसुन प्याज वाली सब्ज़ी बनाए ना, तो उसमें आप गरम मसाला के नाम पर आप MDH का गरम मसाला डालेंगे ना, तो वो ना अलग सा एक फ्लेवर लेकर आता है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप कभी डाल कर देखिएगा। और हाँ, एक कमेंट आया था कि इसमें होता है लहसुन प्याज क्या, तो नहीं डियर, नहीं होता है, मैं इसमें देखी हूँ, मैं हमेशा डाला करती हूँ, इसमें नहीं होता है, MDH वाले में लहसुन प्याज नहीं होता है, तो आप ज़रूर डालें। तो मेरा खाना बन गया है, और देखिए कितना शाम हो गया है, तो बस जल्दी जल्दी मैं नहाई, उसके बाद फिर पूजा पाठ की। और आज पूजा का बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं बनाई, क्योंकि हर बार मैं डालती हूँ तो इसीलिए नहीं डाली थी, मतलब सूट ही नहीं की थी,
तो अब शाम के बज रहे हैं, वही 8:30 बज रहा था और मैं फिर अपने लिए कुछ नहीं बनाई। हालांकि मैं बनाती हूँ अक्सर, कभी सूजी का हलवा, कभी बेसन का भी हलवा बनाती हूँ। और मेरे फ्रेंड ने भी कहा था कि दीदी ये बेसन का हलवा शेयर कीजिएगा, और मैं भी उनसे बोली थी कि मैं कल वाले ब्लॉक में करूँगी, लेकिन मेरा ना मन ही नहीं किया बनाने का, तो इसीलिए केला रखा हुआ था, मैं वही 2 खाई। और प्रसाद जो चना चढ़ाई थी ना, तो उसे खा ली थी, तो उसे खाने के बाद भूख बिल्कुल भी नहीं होती, इसीलिए शेयर नहीं कर पाई। तो खैर कोई नहीं, फिर से कभी शेयर कर देंगे। तो आज के लिए यहीं तक, हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।